हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का स्पेशल इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया, जो आपके लेटेस्ट एग्जाम के लिए लेटेस्ट पैटर्न का प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम दो प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोग को कवर करवा दिए हैं। अगर आप लोग दोनों प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट का लिंक आप लोग को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज मेरा प्रैक्टिस सेट 3 है फ्रेंड, जो हम आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट करते प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करिए, ये क्वेश्चन आपका एरर डिटेक्शन से है। क्या एरर डिटेक्शन से? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, यानी ध्यान से रीड कीजिए और इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम रीड करते हैं। आई होप कि आप लोग इसको रीड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं फाइंड आउट हुआ कोई दिक्कत नहीं, हम इसको रीड करते हैं। क्या कह रहा है? कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज अबाउट। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे गौर कीजिएगा। और इसके पहले हम आप लोग को एक रूल दिखाना चाहते हैं, जो देखिए आप लोग के सामने आ गया है। यहाँ देखिए मेनी है, मेनी के साथ किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स? तो मेनी के साथ काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। मच के साथ किसका यूज करते हैं? मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। अब आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए एक्स आपका क्या है, तो आप लोग बोले सर एक्स तो आपका काउंटेबल नाउन है, इससे हम काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन मिल्क क्या है फ्रेंड्स? मिल्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क को हम लोग काउंटिंग कर सकते हैं कि कितना मिल्क है, एक मिल्क है, दो मिल्क है, तीन मिल्क है, ये तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये क्या हो गया, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स? तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मच का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग एक सर यहाँ पे मच का हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो देखिए हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए हाउ मेनी का प्रयोग किया गया, तो हाउ मेनी का प्रयोग किसके किसके लिए किया गया? हाउ मेनी का प्रयोग एक्स के लिए भी किया गया है एंड मिल्क के भी लिए किया गया है। अब हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, ये हाउ मेनी का प्रयोग एक्स के लिए सही है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका काउंटेबल नाउन है। यहाँ मिल्क है फ्रेंड्स, तो मिल्क के लिए हम लोग से अलग से हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को अलग से हाउ मच का प्रयोग करना होगा। हाउ मच का प्रयोग मिल्क के पहले अलग से हम लोग अगर करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट हो जाएगा। जो आपका क्वेश्चन में एरर था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी में था। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग बेशक जाकर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये पार्ट समझ में नहीं आया, हम आपको 100% रिप्लाई देंगे। और जितना भी आप लोग का कमेंट आएगा फ्रेंड्स, उसका एक सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोग को समझा देंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और बहुत गजब का इसमें गलती किया गया है। आप लोग इसे अगर ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप लोग इस रूल को कभी पढ़े होंगे तो आप लोग इसे पकड़ लीजिएगा। क्या है उसको हम समझाने का आप लोग को कोशिश करते हैं। होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स व्हिच आर द, यहां देखिए फ्रेंड द दो बार आ गया, इसको काट लीजिएगा। एक यहां पे द दो बार आ गया, इसको काट लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस, बस आपका इतना ही क्वेश्चन करा था फ्रेंड्स। अब आप लोग देखिए ऑप्शन नंबर ए पे गौर कीजिएगा। उसके पहले आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे गौर करने से पहले आप लोग को एक रूल दिखाना चाहते हैं, अगर आप लोग रूल देख लीजिएगा तो आप लोग को और अच्छा तरीके से समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड्स आप लोग के सामने रूल आ गया, आपका स्ट्रक्चर नंबर वन क्या कर रहा है फ्रेंड्स? स्ट्रक्चर नंबर वन कर रहा है होल के पहले द का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रक्चर नंबर टू क्या कर रहा है फ्रेंड्स? आपका स्ट्रक्चर नंबर टू कर रहा है ऑल प्लस द प्लस पीसीएन का मतलब क्या होता है? पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। पीसीएन का मतलब क्या होता है? पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। और एससीएन का मतलब क्या होता है? एससीएन का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। इसका पीडीएफ फ्रेंड्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप लोग ज्यादा पैनिक मत होइए। यहाँ फिर देखिए फिर ऑप्शन नंबर ए पे गौर कीजिए कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है हॉल द चैप्टर। यहाँ देखिए चैप्टर क्या है? चैप्टर तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चैप्टर क्या है? चैप्टर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जो आपका ये मैच कर रहा है। और यहाँ हॉल भी है और द भी है, लेकिन देखिए फ्रेंड्स इसका अरेंजमेंट जो है वो कुछ गलत तरीके से किया गया है। पहले होल का प्रयोग कर दिया है, उसके बाद द का प्रयोग किया है। अब हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम लोग पहले द का प्रयोग करेंगे और उसके बाद होल का प्रयोग करेंगे, और बाकी तो चैप्टर तो ठीक ही लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में एरर था। आप लोग इस सभी छोटे छोटे पॉइंट को नोट करिएगा। अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हम ऑल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ऑल प्लस द तो सही मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए फ्रेंड चैप्टर जो मेरा है, चैप्टर मेरा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर चैप्टर की जगह एस लगा हुआ रहता और चैप्टर्स रहता तो चैप्टर्स यहाँ पे रहता था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ईज की जगह क्या रहता, ईज की जगह आर हो जाता। ये सभी बातों को आप लोग नोट करते जाइए और गौर से सुनिए हम जो जो कहते हैं,
वो सारे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। ओके तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ गए होंगे, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बेशक कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है, आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। दे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक ए पनिशमेंट ऑफेंस नो ईयर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग को इस तरह का क्वेश्चन हम करवा भी चुके हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स ऑफेंस क्या है, ऑफेंस का सबसे पहले हिंदी क्या होता है, ऑफेंस का हिंदी होता है अपमान करना, और पनिशमेंट का हिंदी क्या होता है, पनिशमेंट का हिंदी होता है सजा देना, जो आप लोग जानते होंगे कि पनिशमेंट का हिंदी होता है सजा देना। अब आप लोग को हम एक रूल बताते हैं थे फ्रेंड्स कि पहले एडजेक्टिव आता है, पहले एडजेक्टिव आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नाउन आता है। कभी हम ये आपको नहीं बताए थे कि नाउन प्लस नाउन कभी भी नहीं होता है, और पनिशमेंट क्या है फ्रेंड्स, पनिशमेंट भी आपका नाउन है और ऑफेंस भी आपका नाउन है। तो देखिए ये ऑफेंस तो आपका सही है लेकिन पनिशमेंट आपका सही नहीं है, पनिशमेंट जो आपका नाउन है फ्रेंड्स उसमें उसको क्या कर देंगे, उसको हमको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो पनिशमेंट का एडजेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स, पनिशेबल, PUNISHABLE, जो वर्ड के लास्ट में ABLE लगा रहे, EBLE लगा रहे, उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे नाउन के लास्ट में है नो यूएन, नाउन के लास्ट में कल भी हम आपको बताए थे नाउन के लास्ट में ly लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा फ्रेंड्स, ये भी मेरा एडजेक्टिव बन जाएगा। ओके तो देखिए ये पनिशमेंट के लास्ट में ly नहीं लगेगा तो क्या लगाएंगे, पनिशेबल करेंगे, जो हम आपको अभी लिख के दिखाएं। तो ओके तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स पनिशेबल कर देंगे। चलिए आप लोग को एक स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, आप लोग स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देखिएगा। आप लोग के सामने एक स्ट्रक्चर आ गया फ्रेंड्स, अगर आप लोग के सामने एन द लगा रहे, जैसे देखिए यहाँ पे एन द है, उसके बाद क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, उसके बाद नाउन आना चाहिए। अगर यही सेंटेंस है फ्रेंड्स आपको अगर एडवर्ब भी इंक्लूड कर देता, यानी एडवर्ब भी आपको इंक्लूड कर देता यही सेंटेंस में, तो आप लोग एडवर्ब का यूज कहाँ करते हैं, तो आप लोग एडवर्ब का यूज कहाँ करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग एडवर्ब का यूज एडजेक्टिव के पहले करते, आप लोग ध्यान में रखिएगा। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का यूज होता है, मतलब सबसे पहले एडवर्ब आएगा, उसके बाद एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए क्यों आएगा फ्रेंड्स, क्यों नाउन को मॉडिफाई कौन करता है फ्रेंड्स, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। आई होप कि अब आप लोग बेहतरीन रूप से समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिनोनियम आ गया, इसको आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या है सबसाइड, सबसाइड का सबसे पहले हम लोग हिंदी आने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद इसका जो सिनोनियम है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए इसका हिंदी जानते हैं कि इसका हिंदी क्या होता है, तो सब साइड का हिंदी होता है फ्रेंड्स डूबना या फिर शांत होना, क्या होता है डूबना या फिर शांत होना। इसका जो सिनोनियम होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा डिस्काइंड, डिस्काइंड का मतलब ही वही होता है डूबना या शांत होना। बात कर ले फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यानी इनलार्ज का हिंदी क्या होता है, तो इनलार्ज का हिंदी होता है बड़ा करना यानी एक्सपेंड करना, क्या होता है एक्सपेंड मीन्स क्या होता है फैलाना, और इनलार्ज का मतलब ये होता है फैलाना या फिर बड़ा करना। एंड प्रोलोंग का मतलब क्या होता है, प्रोलोंग का मतलब होता है बढ़ना, क्या होता है बढ़ना। और एस्केंड का मतलब क्या होता है, एस्केंड का मतलब होता है चढ़ना, यानी कोई जैसे टेररिस्ट है उस पर चढ़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ एस्केंड हो रहा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इनवेड, इनवेड का क्या बताना है, इसका भी आपको सिनोनियम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसका हिंदी जानेंगे कि आखिर इनवेड का हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स आक्रमण करना या फिर लूटना या फिर नष्ट कर देना। ओके क्या होता है आक्रमण करना, लूटना या नष्ट करना। आई होप कि अब आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लिए होंगे, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी रेवेज, रेवेज मीन्स क्या होता है, रेवेज मतलब होता है नष्ट करना या फिर लूटना। एब्यूज मतलब आप लोग सभी को जानते होंगे, एब्यूज का मतलब होता है गाली देना, ट्रैश का मतलब क्या होता है, ट्रैश का मतलब होता है कूड़ा करकट, एंड शेड का मतलब क्या होता है, शेड का मतलब होता है चिथड़े करना यानी बर्बाद कर देना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आपको करवा चुके हैं, इसलिए हम चाहेंगे फ्रेंड्स कि इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। क्या है मानवी इज सुपेरियर, फिल इन द ब्लैंक्स अंशु, टू आएगा देन आएगा देन आएगा वेन आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक याद रखिए, जो भी वर्ड के लास्ट में आई ओ आर दिखे, जो भी वर्ड के लास्ट में आई ओ आर दिखे उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग टू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं टू का। जैसे हो गया सुपेरियर हो गया, एंटेरियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इंफेरियर हो गया, एक्सटेरियर हो गया, पेरियर हो गया, ये सभी के साथ किसका यूज करते हैं टू का यूज करते हैं। और एक एक्स्ट्रा वर्ड होता है फ्रेंड जिसके लास्ट में ई ओ आई ओ आर नहीं लगा रहता है और उसके साथ भी हम टू का यूज करते हैं, वो कौन सा हम आपको लिख के बताते हैं,
प्रीफर क्या है, प्रीफर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीफर के साथ भी हम किसका यूज करते हैं फ्रेंड्स, इसके साथ भी हम टू का यूज करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोहित डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी फिल इन द ब्लैंक्स हिज टू सन्स। अगर आप लोग में हम जो सवेरे यानी मॉर्निंग के टाइम में जो वीडियो अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, यानी अरिहंत का जो हम आज प्रैक्टिस सेट 24 अपलोड किए हैं, अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लेंगे। यहाँ क्या कर रहा है, अगर नहीं भी देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। क्या कह रहा है, रोहित डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, मतलब रोहित ने अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, किसके बीच बंटवारा किया, हिज टू सन्स मतलब अपने दोनों पुत्रों के बीच, यानी दोनों अपने बेटों के बीच अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया। यानी देखिए फ्रेंड्स, बात की क्या किया जा रहा है, दो का बात किया जा रहा है। जब दो की बात की जाए फ्रेंड्स तो वहां बिटवीन का यूज करते हैं, जब दो की बात की जाए तो वहां बिटवीन का यूज करते हैं, और जब दो से अधिक की बात, जैसे तीन की बात की जाए, चार की बात की जाए, पांच की बात की जाए, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, वहां पर एमंग का यूज करते हैं। रहता रोहित ने अपने तीन पुत्रों में अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, चार पुत्रों में अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, पांच सन्स में अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा किया, तो उसके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, उसके साथ हम लोग अमंग का यूज करते हैं। लेकिन यहां टू सन्स दिखा रहा है फ्रेंड्स, तो दो के लिए किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे, जो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, और बी तो टू तो होगा ही नहीं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इमैक्यूलेट। इमैक्यूलेट का आपको क्या फाइंड आउट करना है, इमैक्यूलेट का आपको एंटोनियम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इमैक्यूलेट का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स निष्कलंक या फिर शुद्ध। क्या होता है, निष्कलंक या फिर शुद्ध। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग इसका राइट आंसर फाइंड आउट कर रहे होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाउल। फाउल का मतलब क्या होता है, फाउल का मतलब होता है दूषित करना या फिर गंदा करना या फिर अपवित्र करना। और बात कर ले क्लीन का हिंदी, तो आप लोग सभी को जानते होंगे, ब्राइट का हिंदी आप लोग को सभी को पता होगा, और प्योर का हिंदी भी आप लोग को सभी को पता ही होगा। आई होप क्लीन का हिंदी क्या होता है, साफ सुथरा, ब्राइट का हिंदी होता है चमकीला, प्योर का हिंदी होता है शुद्ध। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इम्प्यूट। इम्प्यूट का क्या बताना, इम्प्यूट का आपको इम्प्यूट का आपको एंटोनियम बताना है, जिसका हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, इम्प्यूट का होता है दोष लगाना या फिर आरोप लगाना। क्या होता है, दोष लगाना या फिर आरोप लगाना। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफेंड। डिफेंड का मतलब क्या होता है, बचाव करना, मतलब दोष लगाना और बचाव करना, अपोजिट हुआ ना, अपोजिट तो हुआ, एक तो दोष लगा रहा था और दूसरे में क्या कर रहा था, बचाव कर रहा था, इसका अपोजिट हो गया डिफेंड। इम्प्यूट का अपोजिट डिफेंड हो गया। और एक्यूज का मतलब क्या होता है, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, असाइन का भी मतलब होता है आरोप लगाना, और ब्लेम का मतलब भी वही होता है, दोषी ठहराना या फिर आरोप लगाना। यानी ये चारों आपस में एंटोनियम है, सॉरी ये चारों आपस में क्या, सिनोनियम है। और ये जो डिफेंड है फ्रेंड्स, ये आप लोग के सामने जो डिफेंड दिख रहा है, ये चारों का एंटोनियम हो गया। ओके आप लोग ये बात नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव टू पैसिव में आपको चेंज करना है। यानी आप लोग के सामने ये एक्टिव में लिखा हुआ है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना। चलिए किस तरह से चेंज करते हैं उसको हम आप लोग को दिखाते हैं। यहां देखिए फ्रेंड्स, आप लोग गौर कीजिएगा, सबसे पहले पैसिव का एक बेसिक रूल होता है, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका सब्जेक्ट बनता है, जो आपका चारों ऑप्शन में दिख रहा है। एक चीज तो समझ गए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां शैल हैव आया हुआ है, तो देखिए द बुक अपने साथ शैल का प्रयोग करेगा या बिल का प्रयोग करेगा। तो आप लोग कहेंगे सर द बुक तो अपने साथ बिल का प्रयोग करता है, बिल का प्रयोग करता है क्या, बिल का प्रयोग करता है। अब हम लोग को देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन है बिल आया हुआ। ऑप्शन नंबर ए में बिल आया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब कई लोग को कंफ्यूजन रहता है फ्रेंड्स कि हम बुड का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बुड का यूज कब होता है फ्रेंड्स, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो बिल के बदले आप लोग शैल के बदले सूट का यूज करेंगे, एंड बिल के बदले बुड का यूज करेंगे, ना कि एक्टिव पैसिव वॉइस में आप लोग सेल और बिल के बदले सेल बिल का ही यूज करेंगे, ना कि सूट या बूट का यूज करेंगे। ओके आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ही फिल इन द ब्लैंक्स नेक्स्ट मंथ, मतलब और सेंस क्या दे रहा है, सेंस दे रहा है गो का, जाने का सेंस दे रहा है, विल गो, वेंट, या फिर दोनों हो सकता है या फिर कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है, नेक्स्ट मंथ मतलब वह कहीं जाएगा, अभी गया नहीं है, जाएगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो फ्यूचर की बात आ रहा है, यानी फ्यूचर का सेंस आ रहा है फ्रेंड्स। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे, क्योंकि ही अपने साथ किसका यूज करेगा, विल का यूज करेगा, विल गो आपका राइट आंसर होगा, वेंट नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, नन नहीं होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही टेंस से है, आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, आप लोग पहले इसको रीड कीजिए, रवि फिल इन द ब्लैंक्स टू दिल्ली टुमारो, मतलब अभी तक रवि गया नहीं है, रवि कल जाएगा या फिर जा रहा है,
मतलब देखिए रवि कल दिल्ली जाएगा या फिर जा रहा है, यहाँ पे हम लोग बिल का बिल गो का यूज कर सकते हैं या फिर इज गोइंग का यूज कर सकते हैं। से देखिए रवि कल दिल्ली जा रहा है या फिर रवि कल दिल्ली जाएगा, ये दोनों का यूज हो सकता है। विल गो का यूज कर सकते हैं या फिर इज गोइंग का यूज कर सकते हैं। आर गोइंग का तो यूज होगा नहीं क्योंकि रवि आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए आर तो यूज करेगा नहीं। और हैव और हैज का तो यूज कर कोई बात नहीं बनता है कि हैव और हैज का यूज करेंगे। अगर हम यहाँ पे हैव और हैज का यूज करेंगे तो रवि अपने साथ क्या लेगा, तो रवि अपने साथ बोलेगा सर रवि तो अपने साथ हैज लेगा। और हैज गोन का यूज करेंगे तो मतलब इसका मतलब क्या निकलेगा, रवि कल दिल्ली जा चुका है, लेकिन हाँ जा चुका है यानी चुका का सेंस आ रहा है, तो टुमारो की जगह क्या होना चाहिए था, टुमारो की जगह यस्टरडे होना चाहिए था, तब हम लोग हैज गोन का यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ टुमारो है फ्रेंड्स इसलिए हम लोग हैज और हैव का यूज नहीं करेंगे। ओके आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कल वाला एक क्वेश्चन है, इसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था और कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या करना है और नहीं करना है। तो देखिए हम अभी आपको बताए थे पिछले क्वेश्चन में कि बिल आता है तो बिल के बदले क्या आएगा, वुड आएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स वुड कौन सा ऑप्शन में आया हुआ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में नहीं आया, ऑप्शन नंबर ए में नहीं आया, ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ। बट आप लोग को ये भी देखना है, यहाँ देखिए मी है तो मी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, मी आपका फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। किसका किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो सब्जेक्ट आपका क्या है फ्रेंड, सब्जेक्ट आपका ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हीम होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हीम होता है। इसलिए यहाँ पे यहाँ देखिए हर का यूज कर दिया, हर किसका ऑब्जेक्टिव केस है, हर आपका सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। इसलिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे हिम रहता, अगर यहाँ पे हिम रहता तो इसके जगह हम लोग ऑप्शन नंबर सी को राइट कर सकते थे, अगर हर के जगह हिम रहता तो, लेकिन यहाँ हर के जगह हिम नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को राइट नहीं कर सकते। कल एक लोग का कल किसी का कमेंट आ रहा था फ्रेंड्स कि हम सैड टू के जगह आस्क्ड का यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स सैड टू के जगह आस्क्ड का यूज कब करते हैं, जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में हो, उसके साथ डू डज लगा हो या फिर पहले इज एम आर वाज वेयर आया रहे, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसके साथ हम लोग आर टोल्ड के जगह आस्क्ड का यूज करते हैं, क्वेश्चन का यूज करते हैं, इंक्वायर्ड का यूज करते हैं, ये सभी का यूज करते हैं। लेकिन ये आपका असर्टिव में है फ्रेंड्स तो हम लोग इसके जगह डैट का, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह डैट का यूज करेंगे और सेड टू के जगह आपका टोल्ड का ही यूज करेंगे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कर रहा है, किसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए कर रहा है, मदर इन लॉ। आप लोग को हम कई बार बताएं फ्रेंड्स कि हाइफन वाले वर्ड को हम प्लूरल फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों राइट होगा, जब आपको मदर इन लॉ दिखे, फादर इन लॉ दिखे, ब्रदर इन लॉ दिखे और इसका जब हमको प्लूरल फॉर्म बनाने का रहता है फ्रेंड्स, तो हम लोग इन या लॉ को छूते भी नहीं है, इन या लॉ को नहीं छूते हैं हम लोग, कोई भी चेंज करेंगे या एस या एस लगाएंगे तो हम लोग मदर में एस या एस लगाएंगे, फादर में एस या एस लगाएंगे, ब्रदर में एस या एस लगाएंगे, सिस्टर में एस या एस लगाएंगे। लेकिन हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इन और लॉ को नहीं छूना है। अब देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में क्या किया था, आपका ऑप्शन नंबर ए में क्या किया था फ्रेंड्स, इन में एस लगा दिया था, इन्स लॉ कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी में क्या किया, लॉ में एस लगा दिया था। और ऑप्शन नंबर डी में क्या किया, तीनों में एस लगा दिया था। लेकिन आपका जब इसका इस तरह का वर्ड का आपको प्लूरल प्लूरल बनाने के लिए कहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आने का संभावना बना रहता है, तो देखिए आप लोग सिंपली क्या कीजिएगा, जो आपका फर्स्ट में रहता है जैसे मदर हो गया, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, उसमें आप लोग एस या एस का प्रयोग करिएगा। ओके आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वन वर्ड से क्या कह रहा है, आप लोग को उसको हम रीड करके दिखाते हैं। विदाउट रिस्क ऑफ पनिशमेंट, मतलब किसी को सजा दे रहा है, वो भी किस तरह सजा दे रहा है, बिना रिस्क लिए हुए किसी को सजा दे रहा है, तो वैसे आदमी को क्या कहते हैं, तो वैसे आदमी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इंटरेक्सोएबल, इनएक्सोरेबल, क्या कहते हैं, इनएक्सोरेबल। यहाँ देखिए फ्रेंड टी को आप लोग काट लीजिएगा, आई एन ई एक्सो आर ए बी एल होता है, क्या इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का हिंदी क्या होता है, इनएक्सोरेबल का हिंदी कठोर, क्या होता है, कठोर। ओके और तो वैसे आदमी को क्या कहते हैं, जो बिना रिस्क लिए हुए किसी को सजा देता है उसे क्या कहते हैं, कठोर कहते हैं। इम्प्यूडेंट का मतलब क्या होता है, इम्प्यूडेंट का मतलब दिलेर, क्या कहते हैं, दिलेर। एंड
इम्पर्ट्यूएबल कहने क्या होता है, इम्पर्ट्यूएबल कहने होता है शांत, क्या होता है शांत, यानी शांत का सिनोनियम क्या होगा, शांत का सिनोनियम होता है के एल सी एल एम काम, काम का मतलब क्या होता है शांत होता है। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है, इम्प्यूनिटी का मतलब होता है दंड से मुक्त करना, क्या होता है दंड से मुक्त करना। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसे एक लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए ओके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का जो भी वीडियो कराऊँ फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम रोज इस तरह का 3 वीडियो डालते हैं फ्रेंड्स, एक आपका अरिहंत का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसका वीडियो डालते हैं जो आपका ऑलरेडी खत्म होने के कगार पर है। इसमें 30 प्रैक्टिस सेट है जिसमें हम 24 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अरिहंत का करवा चुके हैं, करतार का टोटल प्रैक्टिस सेट करवाया हुआ है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, करतार का करवाया हुआ है, लूसेंट का करवाया हुआ है और हम अरिहंत का खत्म करने वाले हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और मॉक टेस्ट आप लोग को कई मॉक टेस्ट में हम आपका एसके का करवा दिए हैं, आप लोग एसके का भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।